के लिए क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कोई ट्रेड नहीं होगा। अगर क्लोज नीचे आता है 35,500 का, उसके बाद शॉर्ट करके चले, 35,800 का स्टॉप लॉस लगाएं और फिर 34,500 दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए। बैंक निफ्टी पर भी थोड़ा वीकनेस का रुझान, तो एक्सेंशियली कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन यहाँ से बाजार में बाउंस बैक का नहीं आते दिख रहा है नीरव को। ट्रेडिंग आइडियाज़ देखिए, ट्रेडिंग आइडियाज़ में भी दोनों सेल है। इन्फोसिस ने अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंसेस रीटेस्ट किए हैं, वहाँ से सेलिंग आई है। आई बिलीव ये स्टॉक नीचे में 1810-1830 ये लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है, तो 1830 के टारगेट से आप सेलिंग करके चल सकते हैं। फ्यूचर में 1905 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। M&M ने अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन किया है 800 के नीचे। आई बिलीव ये स्टॉक में सेलिंग आती रहेगी। तो स्टॉक में जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो 780 का है, तो वही स्टॉप लॉस लगा के चले, फ्यूचर में बेच के चले, 725 एक बार रीटेस्ट जरूर होगा। तो ये है आपके लिए राय इस समय कुछ ट्रेडिंग कॉल्स की आती हुई M&M पर बिकवाली की राय आती दिख रही है।